अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फर्स्ट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। या इंग्लिश सिस्टम, भाई इंग्लिश सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अंग्रेज आए थे इंडिया में तो ये अपने साथ ये वाला सिस्टम लेके आए, इसलिए इंडिया में ये वाला सिस्टम चल रहा है। इसमें क्या होता है, जो वन राइट एंगल है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड वन पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 इक्वल पार्ट्स के लाएंगे आपके 90। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट के लाएगा 1 डिग्री, सो 90 इक्वल पार्ट्स है तो 90 डिग्री। 1 डिग्री जो भी एक इक्वल पार्ट आया, 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो हम बोलेंगे इसको 60 मिनट। फिर 1 मिनट इसके अगेन 60 इक्वल पार्ट्स कर, ये आया आपका 60 सेकेंड। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सेक्साजेसिमल या इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में एंगल ऑफ मेजरमेंट इस तरह से होगा, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा पहला सिस्टम है जो इंडिया में यूज होता है, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ सेकेंड सिस्टम जो आता है हमारा, वैसे तो हमारा हम तो क्या करते हैं सर्कुलर सिस्टम ही पढ़ लेते, क्योंकि ये दो सिस्टम आपके को बुक में भी गिवन है और ये ही काम किया है। सर्कुलर सिस्टम इंडियन सिस्टम है भाई, सर्कुलर सिस्टम ये इंडिया में यूज होता है। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। In this system, angle is measured in radian. Angle is measured in radian. 1 radian, 1 की पावर c मतलब 1 radian is the angle subtended. ये definition है भाई इसकी, angle subtended at the center of the circle. At the center of circle by an arc, अभी समझाता हूँ बेटा, by an arc equal to radius of circle. This is the definition of 1 radian. 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc equal to radius of circle. अब circular system इसलिए बोलते हैं क्योंकि circle से related है। कैसे देखना था, ये सर्कल, ये सेंटर, ये हमारा रेडियस ओ है, रेडियस ना ओबी भी रेडियस, और ये इसकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, टेंथ में पढ़ चुका आर्क लेंथ के बारे में, वहां पर एल से डिनोट किया था याद कर, और ये एंगल थीटा, तो ये एस इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा, एस आर्क लेंथ, आर रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि व्हेन एस इक्वल टू आर, जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है, एस इक्वल टू आर, तो बेटा ध्यान से देखो थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 रेडियन के इक्वल आया कि नहीं आया। जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल है तो हमारा जो थीटा है वो 1 रेडियन के इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये आया समझ में? यस सर। यस सर।
इसका मतलब 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. जब आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी तो आपका एंगल 1 रेडियन आएगा. तो एस इक्वल टू आर थीटा, ये चीज याद रखना, बस इतना ध्यान रखना थीटा हमेशा रेडियन में आना चाहिए. अब देखना मेरा सवाल, एंगल रेडियन में पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री इक्वल होता है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपको सपोज डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन. कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई डिग्री से रेडियन में जाना और रेडियन से डिग्री में जाना है. तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई और रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. ये कन्वर्जन होता है भाई डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का. रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई और डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. दिस इज द कन्वर्जन. इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन. अब देखो कैसे, ऐसा तो इनका दोनों का रिलेशन ये होता है b by 90 equal to 2r by pi. This is the relationship between d and r. d by 90 equal to 2r upon pi. अब जैसे कन्वर्ट करना है तो इससे कन्वर्ट कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है. मैं तो इससे कर लू. जैसे कन्वर्ट 270 डिग्री इन रेडियन, तो 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. देखो 270 डिग्री, तो 270 इंटू पाई बाय 180 इसको सोल्व कर लो तो 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया. 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया हमारे पास. इसका मतलब 270 डिग्री जो है वो 3 पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है. क्या ये समझ में आया? यस सर. यस सर. तो 270 डिग्री हमारा 3 पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल. अब कुछ वैल्यूज है जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये तो आप डायरेक्ट याद रखोगे क्योंकि हर जगह यही काम आएगी. जब 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो बेटा पाई बाय 6 रेडियन आएगा. आप करके देख लो चाहे तो आप डायरेक्ट याद रखो 30 डिग्री 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन. 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन. 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन और 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन. ये तो आप डायरेक्ट याद रखो. कन्वर्ट ऐसे ही हुआ जैसे मैंने अभी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री. तो 30 डिग्री याद रखना है पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3 और 90 डिग्री पाई बाय 2. 90 डिग्री पाई बाय 2 ये हमारा रेडियन हो गया भाई. क्लियर? यस सर. अब सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्ट तो होता है बेटा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना. ये चीज आपको ढंग से समझनी पड़ेगी. पहला मैं 1 रेडियन को ही निकाल देता हूँ क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू याद भी होनी चाहिए. कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री. अब ये ध्यान से समझना बेटा, 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेटली. 2 से कैंसिल हो गया 90. 630 अपॉन 11 डिग्री.
अब बेटा 630 को 11 से रफ में डिवाइड कर लो, इधर देखो 11 8 7, तो ये आया 57 3/11 डिग्री। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको अलग अलग कर लो बेटा, 57 डिग्री अलग कर दो बेटा, ये 3/11 1 डिग्री से कम है, तो जैसे 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये आया? यस सर। ये आ गया बेटा 180 by 11 में, यहां करो 180 by 11 11 1 11 11 6 66। तो मैं इसको लिखूंगा 57 डिग्री 16 4/11 मिनट। इसका मतलब 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 इंटू 60 सेकेंड। ये आया समझ में? यस सर। अब ये हो गया 240 by 11, 240 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 22, 11 1 11, 11 8 28 29.8, मतलब approximately 22 मिनट, बस यहाँ approximately कर दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है बेटा, इसका मतलब 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट, 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। दिस इज द वैल्यू कन्वर्जन ऑफ 1 रेडियन इनटू डिग्री। चाहिए कन्वर्जन क्लियर है? यस सर। यस सर। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कभी भी कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आप इस तरह से। Convert 3/4 radian into degree. दो इसको कैसे लेंगे? 3/4 radian. 180/5 135 हो गया ऊपर तो 22/7. कुछ भी नहीं आना तो 135 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? 9 9 45। यस सर। अब मैं 9 45 को 22 से डिवाइड करता हूं, ये हो गया आपका 42 21/22 डिग्री, 42 मिनट 21/22 इंटू 60, मिनट में चेंज हो गया, ये आ गया 630/11। सिक्स थर्टी को मैं 11 से डिवाइड करूं, यह आ गया आपका 42 डिग्री 57 3/11 मिनट। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो यह आ गया 42 डिग्री 57 मिनट और 3/11 इंटू 60 सेकेंड, ये लास्ट है फाइनल 180/11।
16.3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 16. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 16 सेकेंड. 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 3/4 रेडियन इनटू डिग्री. ये हमारा इसका कन्वर्जन हो गया 3/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका. ये क्लियर है? यस सर. तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द वे टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. अब इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो समझिए. ये तो कन्वर्जन हो गया बेसिकली. ये तो हमें कन्वर्जन हो गया. अब कन्वर्जन के अलावा और क्या पूछा जा सकता है और किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो समझिए इस पहली एक्सरसाइज में. क्योंकि आज हम पहली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे बस. ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री कल से चालू करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री कल से चालू करेंगे. कल आपकी एक क्लास लगेगी और वो आप देख लीजिए. मेरे को लग रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की ले लूंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी है. टाइमिंग सेम रखेंगे 2 से 3. In a circle of diameter 40 centimeter, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of cord is 20 centimeter. The length of cord, yeah, NCERT का problem है भाई. The length of cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of माइनर आर्क. हमें माइनर आर्क का वैल्यू निकालना. अब कैसे निकालेंगे माइनर आर्क का वैल्यू समझते. देखो ये सर्कल डायमीटर 40 है तो रेडियस हो गया 20 और ये भी 20, ये भी रेडियस और ये कोण भी 20. बेटा ये 20, ये 20, ये 20, तो ये एंगल कितना होगी? कितना एंगल आ गया? 60. अब मुझे इस आर्क का लेंथ निकालना है. इस आर्क का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है AB. अब हमें मालूम है कि एयर और आर हो गया 20 सेंटीमीटर. ठीक है, थीटा आपका 60 डिग्री, लेकिन आपको रेडियन में कन्वर्ट चाहिए बेटा. 60 डिग्री होता है पाई बाय 3 और एस हो गया आर थीटा. आर है 20, थीटा है पाई बाय 3 सेंटीमीटर. बस ये आंसर आ गया इसका. आपको चाहो तो पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो. तो आप पाई में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. तो इसका लेंथ ऑफ आर कितना हो गया? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ. ये आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, एक और करते हैं इसी टाइप का. कोई दूसरी टाइप का प्रॉब्लम देखो. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी. द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी. The number of degrees in the least, the number of degrees in the least to the number of radian in the greatest. The number of degrees in the least to the number of radians in the greatest. As 60 ratio pi. इनका रेशियो 60:5 का है. तो फाइंड द एंगल इन डिग्री. तो हमें एंगल इन डिग्री निकालना है. वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन डिग्री.
find the angles in degree. भाई एपी में एपी पढ़ चुके हैं बहुत सारे, बस इसके अलावा दिया भी लाओ। तो बेटा लेट द ट्राइंगल्स इन एपी आर, लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, एपी में ये मानते हैं भाई ए माइनस डी ए ए प्लस बी। वैसे तो ये तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, कोई भी तीन टर्म एपी में ऐसा मानते हैं ए माइनस डी ए ए प्लस बी। अब इनका समय ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। तो ए 180 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब मिडिल एंगल 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल्स इन डिग्री आर, एंगल्स इन डिग्री आर 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री और 60 प्लस डिग्री, ये डिग्री में एंगल सम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब इसने बोला है कि द एंगल इन डिग्री, क्या बोला, द लीस्ट नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, तो नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट लिस्ट ये था 60 माइनस डी डिग्री, एंड नंबर ऑफ डिग्री रेडियन इन ग्रेटेस्ट, बेटा ये ग्रेटेस्ट रेडियन में होना चाहिए, तो इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, अरे सॉरी, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180। और इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है? 60 बाय पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो, ये 180 ऊपर चला गया। ये भी 3 टाइम कैंसिल हो, 180 माइनस सी डी इक्वल टू 60 प्लस डी, तो 4D इक्वल टू 120, सो D इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। D का वैल्यू कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। तो व्हाट वाज द एंगल इन डिग्री? 90 30 60 30 60 90, ऐसे बोलेंगे। हाँ 90 60 30, ये भी हो सकता। सो एंगल्स इन डिग्री आ 60 माइनस 30 60 60 प्लस 30 30 60 90, आया क्या समझ में? यस सर। सो दीज आर द एंगल्स इन डिग्री, ये हमारा एंगल्स इन डिग्री आ गया। तो एंगल्स इन डिग्री आ गया हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए और करते हैं एक दो प्रॉब्लम। आपका एक्सरसाइज 3.1 करनी है बेटा, कल डाउट पूछूंगा मैं, मतलब जिसको जो भी डाउट होगा 3.1 विद एग्जांपल कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन से जॉइन 3.1। A horse is tied to a post by a rope. A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describe 88 meters, when it is stretched out 72 degree at the center, find the length of the rope of the rope ki kya length hai wo hame find out karna hai,
find the length of the rope. अब इसको समझेंगे भाई. Horse is tied. देखो इस पर. अब ये लेंथ ऑफ द रोप है भाई OA या OB और ये 88 मीटर सबटेंड कर रहा है. एंगल 72 डिग्री ये रेडियस है भाई. तो मुझे तो आर निकालना है इसका, मतलब लेंथ ऑफ द रोप का मतलब आया कि समझ में ये फिगर. यस सर. अब हमें पता है S इक्वल टू R थीटा होता है. S है आपका 88 मीटर, R निकालना है, थीटा है 72 डिग्री, लेकिन किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में. ये समझना आया? अरे रेडियन में कन्वर्ट क्यों करा बेटा? S इक्वल टू R थीटा में लिखवाया था मैंने, थीटा इज ऑलवेज एंगल इन रेडियन. जो भी S इक्वल टू R थीटा में, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, याद रहेगा? यस सर. हमेशा कन्वर्ट करना है थीटा रेडियन. अब ये हो गया 18 से कैंसिल करो, 18 4 18 10 4 22 तो 22 इक्वल टू r बाय 10 इनटू पाई, पाई हो गया 22 बाय 7. तो बेटा r कितना मीटर आ गया? 70 मीटर आ गया भैया. So the length of the rope is 70 meter. ये आया समझ में? Yes sir. इसका मतलब radius और length of the rope आपकी 70 meter होगी. चलिए next देखिए. अच्छा minute end और मिनट एंड और एक आवर एंड. बेटा मिनट एंड कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करता है वन मिनट में? कौन बताएगा सर? 5 डिग्री. 5 डिग्री थोड़ी करेगा बेटा, 5 डिग्री कैसे करेगा? हाँ सर क्वेश्चन रिपीट करो तो. मिनट एंड कितना एंगल सब्टेंड करता है वन मिनट? सर 6. हाँ 6 डिग्री. कैसे करेगा भाई समझो. बेटा एक पूरा सर्कल का कितना एंगल होता है? 360. और एक पूरे आवर में कितने मिनट होते हैं? 60. तो 360 को 60 से डिवाइड करो, कितने मिनट आ गए, कितने डिग्री आ गए? 6. तो इसका मतलब मिनट एंड वन मिनट में कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करेगा? 6 डिग्री. 6 डिग्री समझ में आया कि दिया? बेटा वन आवर में 60 मिनट पूरा चक्कर लगाएगी 60 मिनट में मिनट एंड, और पूरा एंगल सब्ट्रैक्ट करेगी 360 डिग्री. तो 360 डिग्री बाई 60 मिनट, तो वन मिनट में कितना एंगल सब्ट्रैक्ट होगा? 6 डिग्री होगा. आया समझ में? Yes, sir. बेटा कोई बताएगा आवर एंड में कितना करेगा? सर आवर में 30. वेरी गुड, 30 मिनट. 360 बाय 12 आवर. तो आवर एंड सब्टेंड्स एंगल इन वन आवर इक्वल टू 30 डिग्री. ये आया समझ में सबको? हाँ यस सर. अब आपका प्रॉब्लम ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन. वैसे तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, मिनट एंड एंड आवर एंड. व्हेन द टाइम इज 6:40 PM, 6:40 PM जब टाइम 6:40 PM है तब कितना एंगल बनेगा? तो पहले तो मेथड बता देता हूँ, फिर ट्रिक बता दूंगा. देखो 6:40 PM तो आवर एंड सब्टेंड्स एंगल इक्वल टू 6 आवर
और 40 मिनट को भी बेटा आप 40 बाय 60 कन्वर्ट करो इनटू 30 डिग्री, इतना एंगल सब्ट्रैक्ट करेगा, ये हो गया आपका 2 बाय 3 80, 20 बाय 3 इनटू 30 डिग्री। बोलो आवर एंगल, एंगल आवर एंगल ने कितना सब्ट्रैक्ट किया एंगल 200 डिग्री 200 डिग्री। ये समझ में आया क्या? Yes, भाई 6 आवर और 40 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करो क्योंकि वो आवर एंड थोड़ा सा आगे तो चलेगा ना, तो 6 प्लस 40 बाय 60 इनटू 30 200 डिग्री। नाउ मिनट एंड सेकंड्स, एंगल इक्वल टू 40 इनटू 6 कितना एंगल सब्ट्रैक्ट किया भाई 240। So what is the angle between minute end and hour end? 40. So angle between minute end and hour end. Is equal to 240 degree minus 200 equal to 40 degree. अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। सपोज आओ एमसीक्यू में आ गया, एमसीक्यू में ऐसे निकालोगे 6 आवर तो 6 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 11 बाई 2 180 माइनस 220 पॉजिटिव वैल्यू लेनी 42। आवर को तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे और मिनट को 11 बाई 2 से कर दोगे। कैसा आया वो बाद में समझाएंगे आपको, मतलब ये तो वो किसी ने वो पढ़ा हो 10th क्लास में, क्लॉक पड़ी हो तो क्लॉक में आता ही। तो आप तो डायरेक्ट याद रखो 6 इंटू 30 माइनस मिनट को 11 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 220। 180 और 220 का डिफरेंस कितने का है बेटा 40 डिग्री, ये डायरेक्ट आ जाएगा एमसीक्यू। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसे कन्वर्ट होता है बेटा, ये ऐसे एंगल निकालोगे आप मिनट एंड और आवर एंड। The angle between minute end and hour end इस तरह से निकालोगे। एक ऐसे MCQ में निकाल के बता देता हूँ क्योंकि MCQ में वन मार्क पर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऐसा तो नहीं पूछा ही। एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड व्हेन द टाइम इज 10:20 AM तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। देखो 10 × 30 माइनस 20 × 11/2 तो 300 माइनस 110 कितने डिग्री बनाएगा बेटा 190 डिग्री बनाएगा। और मैं वैसे निकाल के बता देता हूँ 10 प्लस 20 बाय 60 इनटू 30 ये तो आवर एंड का होगा तो ये हो गया 31 बाय 3 इनटू 30 310 डिग्री और मिनट एंड का हो गया 20 इनटू 6 120 ये तो वही आ रहा है 310 माइनस 120 190 आ वो तो एमसीक्यू में आएगा तो जो मैंने बताया वैसे कर लो 10 into 30 or 20 into 11 by 2. So 300 minus 110 equal to 190 degree. So this is the angle between minute end and hour end. Aya? Yes, sir. Yes, sir. So इस तरह से minute end और hour end के बीच में ये angle निकले। तो ये आपकी exercise 3.1 आपको करनी है कल, और कल इसके डाउट पूछने हैं। टाइमिंग वही है सेम 2 बजे की, 2 बजे रखना चाहोगे 12 बजे रखना चाहोगे? 2 बजे रख लो। चलो 2 बजे रख लो, छोड़ो ठीक है सर। आज शाम को रिकॉर्डिंग भेज देना। क्यों नहीं होगी बेटा? बेटा शाम को तो लेंगे ना, आज कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे ताकि वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारा। यस सर। हाँ आज तो लेंगे ताकि वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा और बचेगा नहीं। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ बेटा। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दो अभी। अरे रिकॉर्डिंग तो बेटा बहुत टाइम लगता है रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने में, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अभी। इसका PDF जरूर भेज दूंगा और पिछली वाली रिकॉर्डिंग चाहिए तो पड़ी है मेरे पास जैसे तुम बोलोगे।